हम तीन प्रकार से प्रतिरोध करते हैं। एक ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस होता है, अचानक लाइट आ जाएगी तो आप आंख बंद कर लेंगे, या बहुत तेज आवाज आएगी तो आप कान बंद कर लेंगे। हम थोड़े चेंजेस करके अपने उसको करते हैं, वो ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस है ना, ऑटोमेटिक तरीके से प्रतिरोध होता है। एक होता है कॉन्शियस नेगेटिव रेजिस्टेंस। हम अगर किसी ने हमारे को कुछ बोल दिया तो हम उसको कॉन्शियसली उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने कितना किया, उसने बिल्कुल नहीं किया, ऐसा करके हम करते हैं ना, वो नेगेटिव है, कॉन्शियसली करते हैं। तीसरा है कॉन्शियस पॉजिटिव रेजिस्टेंस। एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिखा है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत ही सिली और बेवकूफी पूर्ण तरीके से आपको इरिटेट करता है हमेशा, या तो आप उसके लिए नेगेटिव सोचेंगे या आप ये सोचेंगे पॉजिटिवली कि मैं उस इंसान के साथ कैसे बिहेव करूं कि मेरे अंदर पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन पैदा हो, है ना, क्योंकि वो सामने वाला मुझे मौका दे रहा है कि मैं अंदर पेशेंस और कंपैशन को डेवलप करूं, तो कैसे मैं अपने बिहेवियर को चेंज करूं, कितना उसको प्यार से मैं पेश आऊं। तो वो कहे पॉजिटिव रेजिस्टेंस है। ऐसा अगर आपने सीख लिया हर सिचुएशन में, क्योंकि रोजमर्रा आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान आता है या ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपको पॉजिटिव रेजिस्टेंस रखना आवश्यक हो जाता है, और इसको दिखावे के लिए नहीं, बिल्कुल अपने में वर्च्यूज डेवलप करने के लिए करिए, तो सामने वाला सुधरे ना सुधरे तुम्हारा सोल का इवोल्यूशन होते रहेगा। और टॉरकॉम ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि कई लोग पुराने, उनके दुख होते हैं, उनकी सफरिंग होती है, पुराने घाव होते हैं उनके, या उनके जो उठना बैठना होता है, उनका हैंगअप्स जो होता है, वो इस तरीके से रहता है कि वो आपके पॉजिटिव फ्लो जो होता है आपके द्वारा प्यार को या टेंडरनेस, हम बहुत प्यार और कोमलता से पेश आते हैं ना किसी के साथ, वो बिल्कुल भी उसको नेगेटिवली ही जवाब देंगे। आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा सेंटेंस बनाती हूँ। देखिए, जो लोग दुखी, पीड़ित या वुंडेड हैं, या उनकी संगति अच्छी नहीं है, हैंगअप्स अच्छे नहीं है, तो आपकी जो प्यार है और प्यार की, प्यार और कोमलता है, उस इजहार भी कर देंगे तो वो इरिटेट ही होते रहेंगे, क्योंकि आप उनको उनकी याद दिला देते हैं। आपका फेस, यहाँ पे लिखा है नोज ऑफ योर नोज, उनको रिमाइंड कराता है कि अतीत में किसी ने उसको कष्ट दिया था, या तो फिर वो अपने इरिटेशन से इतने लोडेड होते हैं कि आप पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं प्यार की, तो वो आपकी एनर्जी को, पॉजिटिव फ्लो को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने नेगेटिव को बढ़ाएगा। आप समझ गए, पहले से नेगेटिव था, आपने उसको प्यार दिया तो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, पर वो और ज्यादा ज्वलनशील टाइप का और ज्यादा विनाशकारी और मोर एक्टिव हो जाएगा, गलत यूज कर लेगा आपके प्यार और उसको। क्योंकि उनके अधिकांश सेंटर्स ब्लॉक्ड होते हैं, उनकी जो आत्मा है वो इम्प्रिजेंट है, वो छुपी हुई है, वो इतने सफर कर चुके हैं अपनी लाइफ में कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और उनके लिए एक बहुत वो इम्पोर्टेंट चीज लिखा है, पर मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को आप हिप्नोटिज्म से नहीं ठीक कर सकते, उनको आप हिप्नोटिक कमांड के द्वारा ठीक कर सकते हैं। एक कमांड देते ना, जैसे बच्चे को माँ देती है, बेटा तुमको भगवान की पूजा करनी है, नहीं तो भगवान तुम्हारे लिए गलत फ्यूचर बनाएगा, तुमको करनी है, वो एक एक सम्मोहन करा देते हैं बच्चे को, तो भगवान ही पूजा पाठ करने लग जाता है कि अरे बाप रे पूजा पाठ करना जरूरी है। वैसे वाले कमांड से ही उनको ठीक कर सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे, आप इतना इरिटेशन के बारे में बोल रहे हैं, टॉरकॉम बोलते हैं कि आप लोगों को लगेगा कि हम सब जो, हम कई लोग कई चीजों को तो नियंत्रित ही नहीं कर सकते, टीवी खोलो तो क्राइम, न्यूज़पेपर खोलो तो क्राइम और नेगेटिव चीजें, और हर जगह रेडियो में, टेलीविजन में, पूरे देश में, शहर में, सब जगह गलत चीजें हो रही हैं। तो हम इन सबको कैसे हैंडल करें, कैसे इरिटेट नहीं हो इन सब चीजों को देखकर। तो टॉरकॉम कहते हैं तीन चीजें आप अपने दिमाग में और अपने जीवन में उतार डालिए, डिटैचमेंट, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस। जो भी चीजें आपके आसपास की चीजें हो रही है उसे डिटैच होते जाइए।
ऑब्जर्व करिए, एक साक्षी भाव से देखिए कि ठीक है यहाँ पे युद्ध हो रहा है, यहाँ पे ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मेरी फैमिली में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। चुपचाप से आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाले मोड में चले जाइए और एनालिसिस करिए कि क्यों हो रहा है, क्या कारण है। आप सिर्फ इतना ही पता लगाइए और उनसे डिस्टेंस बना लीजिए तो आपका इरिटेशन नहीं होगा, क्योंकि इरिटेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आप गलत एक्शन लेंगे, गलत डिसीजन लेंगे और इरिटेशन प्राइम कॉज है आपके डिप्रेशन का। क्योंकि इरिटेशन के द्वारा जो मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी में घूमती है, उसमें कट्स हो जाते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि हमारी सोल हमारी ऑरा से हट जाती है, उसके कारण डिप्रेशन जाता है। तो अभी तक के इम्पैरल का जो मैंने आप लोगों को बताया उसके चार कारण मैंने आप लोगों को बताए कि इलेक्ट्रिसिटी जब आपके नेटवर्क में फ्लो नहीं हो, सेंटर्स और ग्लैंड्स में जब ठीक से काम नहीं करें, मैल फंक्शनिंग करें, ओवर ग्रोथ हो जाए सेल की, या जब सेल्स एक दूसरे को खाने लग जाए, स्टार्वेशन ऑफ सेल्स और डीजनरेशन, कई ऑर्गन्स खत्म होते जाते हैं, तो कई बीमारियां होती हैं। ये जो छोटी छोटी हम इरिटेशन रोज के पालते रहते हैं उसके कारण हमको मालूम भी नहीं चलता कि आधा एक घंटा हम इरिटेट होते हैं और कितने हमारे बॉडी में इम्पैरल फैल गया और हम तुरंत जाके खाना बनाने लग जाते हैं और स्वादिष्ट खाना खाते हैं। उस समय हमें बिल्कुल भी कुकिंग और सेक्सुअल एक्टिविटी और किसी लव्ड वन से बातचीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम वो इम्पैरल को उनको ट्रांसमिट कर देंगे। तो उन्होंने कहा बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे ट्यूमर, इंसोमनिया, नींद नहीं आने की बीमारी, डिप्रेशन, सुसाइडल ड्राइव्स, पागलपन, नेगेटिविटी और क्राइम करने की इच्छा, ये सब चीजें इसी के इम्पैरल के कारण, इसके बढ़ने के कारण, क्योंकि ये जमा होते जाता है ये पॉइजन। उन्होंने कहा कि पूरी पृथ्वी फुल ऑफ इम्पैरल है, तो हम इसको कैसे प्रोटेक्ट करें, हम जल्दी जल्दी समझेंगे। तो इन्होंने दो तीन ऑयल्स वगैरह के बारे में बताया है, मैं फटाफट बताती हूँ। मैं अभी तक मुझे रोज परफ्यूम और रोज ऑयल पसंद नहीं था, पर आज के बाद पसंद आएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर प्रिवेंट करना है तो रोजेस सबसे अच्छे उपाय हैं। गुलाब के फूल, राजाओं के महलों के चारों तरफ रोज गार्डन्स लगाए जाते थे। आप रोज ऑयल यूज कर सकते हो और रोज ऑयल को तो हम रिचुअल्स में गुलाब जल को डाला जाता है, हम यूज करते हैं। नहाने के समय रोज ऑयल को यूज कर सकते हो और परफ्यूम के रूप में रोज ऑयल को यूज कर सकते हो। इससे आपका इम्पैरल कम होगा, इरिटेशन कम होगा, वो आपके माइंड को काम करता है और इरिटेशन को कम करता है। एक फ्रीसिया फूल लिखा है, मैं कल सर्च कर रही थी, वो फूल नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और फाइट कराते हैं, पॉइजन ऑफ इम्पैरल को कम करते हैं। अपने घर के आसपास लगाइए, रूम्स में रखाइए और सोइए उसकी फ्रेग्रेंस में, तो आपका इम्पैरल गायब हो जाएगा, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। ये जो जो ऑयल लिखा है ना, एक रोज ऑयल ही हमारे काम के, बाकी तो कोई काम ही के नहीं है। वार्म वुड ऑयल, वार्म वुड नाम भी मैंने पहले बार सुना है, उसको हिंदी में मैंने देखा और पता लगाया नागदौन। कोई जानता है नागदौन? यस यस यस, वेरी गुड रुपिंदर जी। नागदौन का ऑयल वो इम्पैरल की हैवी लेयर्स को भी डिसॉल्व कर देता है, स्पेशली अगर आपके ग्लैंड्स में, क्योंकि ग्लैंड्स और ऑर्गन्स डिस्टॉर्टेड होते हैं, तो ये वर्मवुड ऑयल सबसे ज्यादा फायदा करता है और मास्टर मौर्य इसको हाईली रिकमेंड करते हैं यूज करने के लिए। हमारे इधर पे देखते हैं नागदौन का तेल रहना चाहिए ना, ये सारी ऑयल जब इरिटेट हुए तुरंत थोड़े से लगा लिए वो वाले ऑयल। बार्ले जौ जिसको बोलते हैं, ये गुड फॉर लंग्स है, क्योंकि इरिटेशन के कारण जो आपके लंग्स डैमेज हो जाते हैं उसके लिए जौ बहुत अच्छा होता है। मस्क भी लिखा है, मस्क अर्थात कस्तूरी, और हम कहते हैं अगर जेन्युइनली आपको मिलती है कस्तूरी, हिरन में से निकलती है ना कस्तूरी, वो स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और इसके छोटी छोटी मात्रा में ग्रैन्यूल्स को इंटरनली अंदर लेना पड़ता है। अरे चंदन मुझे भी बहुत पसंद है,
मस्क मतलब समझिए छोटे ग्रेन्यूल्स खाते होंगे, हमारे इधर तो मिलता भी नहीं है और मिलेगा भी नहीं। उन्होंने कहा है कि फिर है जॉय। अभी मैंने बताया मस्क ऑयल और ये सब आप समझ गए ठीक है। हाँ अब जॉय, जॉय बहुत बड़ा प्यूरिफायर है और जॉय के ऊपर मैं पूरे 2 सेशन लेने वाली हूँ। जॉय एंड हीलिंग बेहतरीन बुक है, मैंने उसको ट्राई किया है बहुत बार और मुझे लगता बहुत इफेक्टिव, इसलिए मैं 2 सेशन में लूंगी नेक्स्ट वीक या फिर आफ्टर दिवाली। मेरे नोट्स बने हुए हैं, बस शेड्यूल करने की मुझे देरी है उसकी। तो आप जब बहुत खुश रहते हैं तो आपकी इम्पेरल कम होते जाती है और उनको भी अपने जॉय को भेजिए जो आपको इरिटेट करते हैं। वो बुक है जॉय एंड हीलिंग बाय टॉरकॉम, कि अगर हमको हीलिंग करनी है तो हमको जॉय बहुत जरूरी है। और जॉय और हैप्पीनेस में बहुत अच्छा फर्क मैं आप लोगों को भी बताऊंगी, मतलब टॉरकॉम मुझे बहुत पसंद है। अच्छा देखिए, जॉय भी हो गया, लव टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करें हम। लव जब जॉय के साथ लव मिक्स होता है तो मिरेकल क्रिएट हो जाता है। अगर तुम किसी को प्यार नहीं करते तो वो कोई सामने वाला अच्छा भी करे, जब आप किसी को प्यार नहीं करोगे तो वो अच्छा भी करेगा तो तुम इरिटेट होते जाते हो या उसका प्रेजेंस भी आपको इरिटेट करता है। और यदि आप उसको सच्चा प्यार करती हो तो आप इरिटेट नहीं होंगे। लव हमारी शील्ड होती है ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। फिर एक और है, जैसे जॉय है वैसे लव है, वैसा ही एक अप्रिसिएशन प्रशंसा। मैं सोचती हूँ इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको प्रशंसा सुनने अच्छी नहीं लगती होगी। देखो फ्रेंड्स, प्रशंसा और चापलूस बटरिंग करने में फर्क होता है, इतना फर्क तो हम सभी जानते हैं। हम अप्रिसिएशन सबको पसंद है, तो कई लोग को जब एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो वो इरिटेटेड हो जाते हैं, क्योंकि जो वो है, जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको लगता है कि उनको एप्रिशिएट किया जाए। तो टॉरकॉन कहते हैं अपने प्यार को बढ़ाओ, प्रशंसा करो ताकि वो अपनी डिग्निटी और अपनी वैल्यू को फील कर सके। प्रशंसा भगवत्ता को देखने की योग्यता है, कितनी सुंदर सेंटेंस है। जब हम किसी की प्रशंसा करते तो हम उसकी डिविनिटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी डिविनिटी और हाई वैल्यूज पर जोर दिया जाता है, इम्पैरल वहां पर सफल नहीं होता। तो कई लोग इसलिए भी इरिटेट नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें एप्रिसिएशन नहीं मिलता, रिकॉग्निशन नहीं मिलता। फिर और बताए हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ डिविनिटी इन अदर्स, दूसरों में अपनी, दूसरों में भी भगवत्ता देखने की कोशिश करो। इससे आपके अंदर इरिटेशन कम होगा और अच्छा बुरा सब पे आप उस भगवान के अंश को देखो। सेल्फ सेक्रीफाइस, उन्होंने कहा कि निष्काम सेवा तो आप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, पर उसके साथ काउंटर बैलेंस भी करना सीखिए। जैसे मान लीजिए मेरी चप्पल चोरी हो गई तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए कि कौन मेरी चप्पल चोरी करके ले गया। मुझे ये सोचना चाहिए कि अरे शायद किसी को जरूरत होगी मेरे चप्पल की और मैं मीडियम बनी उसको मेरी चप्पल देने के लिए, तो कोई बात नहीं हो गया। तो हम काउंटर बैलेंस भी करना सीखें। हाँ कविता जी, मैं कर चुकी हूँ ये वाली चप्पल, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये एग्जाम्पल लिया। उन्होंने टॉर्कॉम में तो रिंग का बताया था कि चलो ठीक है चली गई ना, कोई बात नहीं। और वो भी कहाँ से चोरी हुई थी चप्पल? पिरामिड से। रात के 3 बजे मैं नंगे पैर अपने करताल में अपने रूम तक के पहुंची थी, रात के 3 बजे। सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, अपने आप को भूल जाना। जब अपने फ्रेंड्स और अपने दुश्मनों, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी जैसे आपके दुश्मन हैं, अपनी स्वार्थ अपना सेल्फ इंटरेस्ट खत्म करके उनको आप, कोई भी जब आर्ग्यूमेंट हो रही है फ्रेंड के साथ या एनिमीज के साथ, साइलेंस रखिए, आप भूल जाइए कि आपको कोई नहीं। तो उन्होंने कहा है कि आप जब भी आपके फ्रेंड्स जैसे भी हैं वो हैं, आप साइलेंस हो जाइए, बहस कर रहे हैं उनको जीत लेने दीजिए। आप जब अपने आप को भूल जाएंगे कि अरे मैं हूं ही नहीं है, सामने वाला बोल रहा है ठीक है, तो आपकी इरिटेशन इम्पेरल नहीं बढ़ेगा। हार्मलेसनेस, हार्मलेसनेस ठीक है, बिना कष्ट के जीना।
आप लोगों से ऐसे रिलेट करिए कि आपके वर्ड्स, आपके इमोशन, आपके थॉट्स, आपके प्लान्स उनकी प्रगति में बाधा न पहुंचाए। अगर आप इरिटेट होते हो या इरिटेट करते हो तो दोनों ही हर्ट होते हैं। हार्मलेसनेस वो एबिलिटी है जो दूसरों से न प्रभावित होते हो न दूसरों को प्रभावित होने देते हो, मतलब किसी में बाधा नहीं पहुंचाना। क्योंकि देखिए, अगर कोई मुझे इरिटेट कर देता है तो न मैं स्टडी कर पाती हूँ, न मैं टीवी को एंजॉय कर पाती हूँ, न मेडिटेशन कर पाती हूँ, क्योंकि इरिटेशन इतना हमारे में इम्पैक्ट डालता है कि समझ गए। तो हमको ये हार्मलेसनेस की एबिलिटी को डेवलप करना है कि मेरे से किसी को भी हर्ट नहीं हो ऐसा। साइकी एनर्जी, आप जितनी अपनी साइकी एनर्जी बनाते जाएंगे, आपके नर्व्स की वो प्राणा एनर्जी है, आपके इम्पेरल उसमें मेल्ट होते जाएंगे, आप प्यूरिफाई होते जाएंगे। फिर एक और बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, कन्वर्सेशन अबाउट द टीचिंग। जब आप अच्छे बुद्ध पुरुषों की शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं बात कर रही हूँ अभी, है ना, आपसे कितनी अच्छी चौरपम की बातें कर रही हूँ, तो ये पूरे रूम की वाइब्रेशन बढ़ती है। तो वो कहते हैं कि आपकी रूम की वाइब्रेशन भी बढ़ेगी और आप साइकी एनर्जी को ड्रॉ करते हो, खींचते हो, और कई जो महान आत्माएं या महान मास्टर्स हैं, है ना, समझ गए होंगे, ग्रेट वंस, उनकी भी एनर्जी का चैनल करते हो। तो ऐसे वातावरण में इरिटेशन और इम्पेरल नहीं रह सकते, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जैसे गर्म जगह पर बर्फ नहीं रह सकती। इसीलिए जिस जगह पे आप शिक्षाओं के बारे में बात करते हो वो पूरा वातावरण और आप प्यूरिफाइड हो जाते हो। फिर उन्होंने कहा है कि आपकी स्पिरिचुअल ऑरा का सघनीकरण करते रहिए, इंटेंसिफिकेशन करते रहिए। आपके जो आत्मा के गुण हैं, कंपैशन है, लव है, ग्रैटिट्यूड है, मदद करना है, जो भी है आपके, उनको आप बढ़ाइए, एक्सप्रेस करिए अपनी व्यक्तित्व से, तो आपका इम्पेरल खत्म होते जाएगा। मैं जहां जहां इम्पेरल बोल रही हूँ, इरिटेशन होकर समझते जाना, है ना। और आप हायरार्की के लिए श्रम करिए, जैसे जैसे आप आत्मा की तरफ बढ़ते हैं आप हायरार्की के और करीब जाते जाते हैं, और वो आपको जॉय, ब्लिस और पीस में रहने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि हम जो रहते हैं, जितने हम प्यूरिफाइड होते जाएंगे, हायरार्की से जुड़ते जाएंगे, हम उनके शील्ड में ही रहेंगे। तो उन्होंने कहा है कि ऐसी एनर्जी में कोई भी आपके नर्वस सिस्टम में इरिटेशन को नहीं आने देता। आपका जो दिल है वो रेडिएट करे कंपैशन को, लाइट ऑफ लाइफ, तो भी आपके इम्पेरल और वो सब पिघल जाएंगे। सोने के पहले हमेशा प्रार्थना करिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से सोने के पहले, तो कहते हैं कि जो हमारे लोअर फ्रिक्वेंसी और दूसरे डेंजर्स है, उन सब से हमारे मास्टर्स हमारी रक्षा करते हैं, हमारी बॉडी की भी और हमारी भी। तो सोने के पहले हमेशा प्रार्थना की प्रैक्टिस करिए, और जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं तभी भी आप एक प्रेयर से शुरू करें। हिंदू में पहले हम ओम का जाप करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। मुस्लिम में भी कहा जाता है कि देयर इज नो वन एल्स एक्सेप्ट गॉड, ईश्वर के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। या क्रिश्चियन लोग कहते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, कोई भी काम शुरू करने के पहले इन द नेम ऑफ गॉड। तो कहते हैं कि इस चीज पे बहुत बार टॉर्कम ने बहुत बुक में बोला है, मैं ये वाली चीजों को बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, कि खाना भी बनाने जाओ तो कुक जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े चर्च में रहते हैं, वो भी पहले अपनी पूरी ऑरा को क्लीन करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और प्रेयर करके, इन द नेम ऑफ गॉड करके फिर जाते हैं कुकिंग के लिए, तो वो खाना बहुत अच्छा होता है। हम इतनी जल्दी जल्दी में नहीं कर पाते ना, पर करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देखिए, इन सबके शब्द अलग अलग हैं, चाहे ओम बोलो चाहे इन द नेम ऑफ गॉड बोलो, पर एसेंस सबका सेम ही है। प्रेयर्स हमारी, जब कोई भी हम काम करने के लिए शुरू करते हैं उस समय अगर प्रेयर बोला जाए, तो उस काम के बीच में कोई भी विघ्न आ गया या कंफ्यूजन हुआ या कुछ हुआ, तो आप उससे सुरक्षित रहेंगे, आपको फेथ रहेगा उस ईश्वर पे कि सब ठीक हो जाएगा।
उन्होंने कहा है कि अपने माइंड को इंसुलेट करिए, इंसुलेशन ऑफ माइंड, मतलब अगर आपको लग रहा है कि अरे मैं इसके लिए कोई गलत विचार कर रहा हूँ या यहाँ पर मेरे इरिटेशन होने की, इरिटेट होने की संभावना ज्यादा है, तो वहां से अपने माइंड को हटा लीजिए। कीप डिस्टेंस, साइलेंस, सब समझ गए होंगे। हैवी लेबर, बहुत ज्यादा श्रम करने से भी जो सिक्रेशन होता है हमारे बॉडी में, वो जो हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और क्या सेरोटोनिन वगैरह, वो सब आपके इम्पैरल को कम करते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज, वॉक, ये सब रनिंग, ये सब बहुत अच्छा कहा गया है। एक और बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने कहा है कि पीरियोडिक चेंज ऑफ रेसिडेंस, अपने घर को पीरियोडिकली आप चेंज भी कर सकते हैं। वो जगह जहां लड़ाइयां हो, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड हो या इमोशनल आप हर्ट हुए हो, उस जगह को बदल देना अकलमंदी है। हाई माउंटेन्स वगैरह तो प्राणा और साइकी एनर्जी से भरे हुए हैं, डेजर्ट, ओशन, पर हर जगह तो हम नहीं, हर एक कोई तो वहां नहीं जा सकता। तो आप उस घर को बदल दीजिए, और अगर वो भी काम नहीं है तो आप उस शहर को, स्टेट को या कंट्री को भी बदल दीजिए। अगर ये किया जाए तो आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ में होने वाले फ्यूचर डेंजर से आप बच सकते हैं। पर ये भ्रम में मत रहना कि सिर्फ घर को बदल देने से आपका सब ठीक हो जाएगा। एक भेद करना आना चाहिए ना कि हाँ ये उससे बेहतर है, शांत जगह है, यहाँ के लोग, आसपास के लोग अच्छे हैं, समझ गए, वो आपको भेद करना आना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगी, नहीं मैं नहीं बोलती अभी, नहीं ठीक है रहने दीजिए, क्योंकि मैंने इस चीज को महसूस किया है। ठीक है, स्टेट, सिटी, सिटी को बदलने से महसूस किया है। कंटेंटमेंट, संतुष्टि, हम संतुष्टि क्या सोचते हैं कि जो है हमारे पास उससे संतुष्ट हो जाना है, बोले नहीं, डॉक्टर कहता है कि सिर्फ आपके पास जो है उससे संतुष्ट नहीं होना है, ये आपकी कंटिन्यूस स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से शांति है जो आपको बाहरी वातावरण से शांत बना रखती है। सिर्फ जो है वो नहीं, बाहर में ऊंचा नीचा जितना हो रहा है, एकदम पैसे कम हो गए, बहुत अपमान हो गया, तब भी आपको शांत बनाए रखता है, तो वो बोलते हैं कंटेंटमेंट। ठीक है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हमारी इरिटेशन को विकर्षित करता है, इसलिए हमेशा जॉयफुल और हैप्पी रहिए। जॉय क्या फ्रेंड्स, जैसे मैं आप लोग को बताऊंगी वाला बुक, जॉय आत्मा की वो स्थिति है जो पर्सनालिटी से आइडेंटिफाइड नहीं होती, वो हमारे कोर, हमारे केंद्र का जॉय है, जो हमारी आत्मा का जो है ना, वो जॉय होता है। और हैप्पीनेस क्या होता है, आत्मा की वो स्थिति जो पर्सनालिटी से आइडेंटिफाइड होती है और लाइफ को इंजॉय करती है। जैसे मैं नीता के रूप में खुश रहूंगी कि अच्छा खाना खा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, मूवी देख रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, शॉपिंग तो फेवरेट है, तो वो हैप्पीनेस है, क्योंकि मैं आइडेंटिफाइड हूँ कि नीता के साथ था ना। अब जब हाँ हाँ, जो हम खुद वो आइडेंटिफाइड होते हैं ना, लाइफ को इंजॉय करते हैं, वो है हैप्पीनेस। पर जॉय हमारी आत्मा की जो पर्सनालिटी से नहीं, हमारे कोर से निकलती है। तो पूरे समय खुश रहिए और ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो बहुत खुश रहते हैं, ताकि आप उसके ट्रैप में, इरिटेशन के ट्रैप में मत फंसे। अच्छा खाना और अच्छा नरिशमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कमजोर बॉडी आपके जर्म्स और आपके इम्पैरल को बढ़ाती है। राइट डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, ठीक है, प्रॉपर स्लीप एंड कंप्लीट रेस्ट व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो तो बिल्कुल सो जाना, जब जरूरत हो आराम कर लेना। रामपा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके कहा था कि एक औरत है, बहुत प्यार करती है अपने हस्बैंड को, बहुत अच्छे से काम वाम करती है, दोनों एकदम लविंग बर्ड्स है ना बिल्कुल। फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद बीवी बहुत काम करने लग जाती है, इतना काम करती है, इतना काम करती है कि वो आराम ही नहीं करती, अब आराम नहीं कर रही है, लगातार काम, श्रम श्रम श्रम, तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो फिर नेगेटिव ग्रिड बनाता है, कुछ ऐसा उन्होंने कहा था। और वो बीवी ना फिर नैगिंग करना शुरू कर देती, छोटी छोटी बात पे नैग करेगी, फिर नैग करते करते लड़ाई झगड़े में पहुंचेगी, फिर वो एक झगड़ालू पत्नी बन जाएगी।
तो रामा ने इतना अच्छा एक एग्जाम्पल देकर बताया था कि उस औरत ने अपने लिए श्रम किया परंतु आराम नहीं किया, इसीलिए उन्होंने पूरा एक रिक्रिएशन का चैप्टर बनाया ना कि अपने लिए समय निकालो, रिक्रिएट करो, मनोरंजन करो, अपना आराम करो, ताकि आप निगेटिव ग्रिड में बनाओ। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि यदि आप नहीं सोते हो या रेस्ट नहीं करते हो तो आप नेगेटिव मोड में जाओगे, इरिटेट होगे। एक बच्चा अगर अच्छे से नहीं सोता है तो देखिएगा वो बहुत चिड़चिड़ा रहता है, खाना नहीं खाएगा, छोटी छोटी बातें करेगा। मैं अपने ग्रैंडसन को बहुत देखती हूँ, इसलिए हम लोग उसको अच्छे से सुला के उठाते, बाबा आराम से उठो, किसी दिन मतलब के लिए उसको उठा दिया हमने नींद में से तो बस उसका डाइट एकदम कम हो जाता है। वैसे ही अगर मदर बहुत थकी हुई रहती है और ऐसे समय में जब इरिटेट हो रही है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उन्होंने कहा टॉर्कोमे की दूध के द्वारा वो पॉइजन एम्पेरल का अपने बच्चे तक के पहुंचा रही है, तो जब भी आपको आराम करने की जरूरत हो तो सब काम छोड़ के आप सो जाइए, पर सिर्फ सोते ही मत रहना। इकोनॉमी ऑफ एनर्जी, अपने एनर्जी का को बचा कर रखिए, व्यर्थ में मत गवाइए। जो लोग बहुत सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत एक्सेसिवली पार्ट करते हैं वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनल एनर्जी को बहुत ड्रेन करते हैं। टॉर्कोम कहते हैं कि कई लोगों के में ये मिथ है कि अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है, थके हुए हैं या ऑफिस के टेंशन से आए हैं तो वो सेक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कि वो सबसे रिलैक्स हो जाएंगे। तो कहते हैं कि इस समय तो एक बड़े जाल में आप फंस गए, पहले से आप इरिटेटेड थे, फिर ऊपर से अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर दिए, तो ये समय आप अगर सेक्स में इन्वॉल्व होंगे तो आप इरिटेशन के लिए और ज्यादा प्रोन होते चले जाएंगे। पेशेंस के ऊपर पूरा 2 पेज लिखा है, मैं बिल्कुल भी इतना नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको बताऊंगी कि पेशेंस 90% कट करता है आपके इरिटेशन को। जब हम धैर्य रखते हैं ना, तो उन्होंने कहा है कि आपके बॉडी में एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो एंटीडोट है आपके एम्पेरल का, न्यूट्रलाइज कर देता है। पेशेंस का आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम आधे से अधिक चिढ़ के ही जवाब देते हैं ना, चिढ़ के ही रिएक्ट करते हैं। पेशेंस बहुत जरूरी है इरिटेशन को रोकने के लिए। एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जितनी आपकी चेतना का विस्तार होते चला जाएगा आपके में इरिटेशन कम होते जाएगा, क्योंकि आप अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट देख पाओगे, अलग अलग लोगों के रुचि देख पाओगे, तो आप इरिटेट कम होंगे, आपके में एक एकता की भावना बढ़ते जाती है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, बाहरी विनम्रता नहीं होनी चाहिए ना, अंदर से भी आप विनम्र रहना चाहिए। तो जितनी आपकी ह्यूमिलिटी बढ़ते जाएगी आप बहुत जल्दी लेट गो कर देंगे, सामने वाला अगर आपको ट्रिगर भी करेगा तो ठीक है बच्चा जाने दो करके छोड़ दोगे। तो ह्यूमिलिटी बाय हार्ट, सिर्फ मास्किंग नहीं। उन्होंने कहा है कि स्लीपिंग अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे आप सोइए। वो कहते हैं कि अगर मान लो मूनलाइट है, चांद है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर खुले आकाश के नीचे सोते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। किससे? रेज ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, उन सब के जो रेडिएशन होते हैं, या ग्रेट स्पिरिचुअल एंटिटीज, या ग्रेट एंटिटीज और स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, उनके भी रेडिएशन खुले वातावरण में घूमते, तो उस समय आप उनको अट्रैक्ट करते हैं। पहले जमाने में खुले छत में सोते थे, इसीलिए थोड़े कम इरिटेट होते थे, आजकल एसी रूम में सो रहे हैं इसलिए ज्यादा इरिटेशन हो रहा है। अच्छा, अब समझ में आया। डेयरिंग, उन्होंने डेयरिंग के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है कि जो अपन कहते हैं बहादुरी, निर्भयता है ना, उन्होंने कहा है कि आप अगर कंफ्यूजन रहता है आपके में तो आप अपनी साइकी एनर्जी का सही यूज नहीं कर पाते हैं। तो जब आप डेयरिंग करते हैं, तो टॉर्कोम ने कहा है कि जब आप कोई बहादुरी का काम करते हैं, आपका कुछ काम करने का मन है, डेयर करते हैं, तो जो हायर मास्टर्स हैं वो ब्लू और रेड कलर की लाइट में आपके ऊपर साइकी एनर्जी को पॉर करते हैं। बहुत अच्छा लगा था मुझे ये पॉइंट। तो आप निडर बनिए। स्लैमिनिटी,
जिसको गंभीरता भी बोले, सत्यनिष्ठा बोले, उन्होंने कहा है कि जब आप आपको लगता है कि आपके अंदर कोई मार्गदर्शन कर रहा है, आपके मास्टर्स आपके साथ है, तो आप शांति से रहते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स मतलब जो आपने आध्यात्मिक उपलब्धियां हासिल की हैं वो आप रेडिएट करने लग जाते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स बताए हैं, 28 मैंने लिखे थे, 28 से ज्यादा 35 वगैरह है शायद कुछ, पर उसके बाद उन्होंने बहुत ही कुछ चीजें और बताई हैं। देखिए लास्ट के कम से कम 6-7 पेज तो उन्होंने इतना डीप नॉलेज दिया कि मेरे को लगा कि आप लोग नहीं सुनना पसंद करेंगे, आप भी इरिटेट हो जाए तो बेटर है कि उसको मैं छोड़ दूं। कुछ एक पॉइंट ही लिखी हूँ, उन्होंने लिखा है कि हम साइकी एनर्जी को बॉडी से रेडिएट करते हैं परंतु वो पिक्चर में नहीं आता। जैसे मैंने कहा ना कि स्लेमिनिटी के रूप में आप अपने एम्पायर को नष्ट कर सकते हो, उससे प्रिवेंट कर सकते हो। उन्होंने कहा है कि हमारे अगर कोई पिक्चर्स खींचेगा तो हमारे जो हमारा इमिनेशन है या जो रेडिएशन है वो हम पिक्चर में नहीं ला सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि कुछ विद्वान और कुछ अच्छे लोग दूसरों को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते, मतलब कुछ मास्टर्स हैं पर वो इफेक्टिव नहीं होते हैं, वो लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, इंस्पायर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्वभाव में उनके जो विद्यमान इरिटेशन और इम्पैरल हैं उन करंट्स को उन तक पहुंचने में रोकते हैं, प्रदूषित करते हैं या विपरीत परिणाम उन तक वापस लाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे में इरिटेशन और इम्पैरल है ना, उसका पॉइजन है, तो जो मैं बोलूंगी उससे आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो जो मैं पहुंचा रही हूँ अपने साउंड के वॉइस के द्वारा वो करेंट्स पॉल्यूटेड हो जाएगी, है ना, तो वो आप तक के ठीक से नहीं पहुंचेगी, या फिर पहुंचेगी भी तो आपसे मुझे ऑपोजिट रिजल्ट मिलेंगे। आप मेरे साथ विश्वासघात कर सकते हो, मुझे अस्वीकृत कर सकते हो, उदासीन हो सकते हो। तो उन्होंने कहा है कि इसीलिए टीचर को हमेशा इरिटेशन से दूर रहना चाहिए, लव के साथ रहना चाहिए, इसीलिए लव बेस्ट। ग्रेट विजन, इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी सब कुछ आपके में बढ़ता है जब आपकी इरिटेशन कम होते चले जाते हैं। ये एक स्पेशल रूल है, उन्होंने कहा टॉरकॉम ने, कि जब भी ग्रुप गैदरिंग हो या मीटिंग हो तो ऐसे मेंबर को बिल्कुल भी नहीं आने दिया जाए जो इरिटेशन में है या किसी दूसरे के लिए ग्रज रखा हो, क्योंकि उसके द्वारा पूरे ग्रुप की एनर्जी को पॉल्यूट कर देता है। वो ग्रुप कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ग्रुप कॉन्शियसनेस के ऊपर समझना चाहिए कि किस तरीके के लोग हम लोग एक साथ जुड़ के काम करें। तो उन्होंने कहा है कि एडवांस मेंबर्स को, तो जो बहुत ही उच्च है ना एडवांस मेंबर्स को, तो ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर आप अभी इरिटेटेड हैं तो बिल्कुल मत आइए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, एक कमरे में बंद कर लीजिए, और जब तक के आपका इरिटेशन कम नहीं हो तब तक के आप गेस्ट रूम से बाहर नहीं निकलिए और इस मीटिंग में मत आइए। उन्होंने कहा है कि जैसे हवा में पेपर डस्ट होता है तो सभी लोग चीखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इम्पैरल होता है जो हम हमेशा आसपास के लोगों को फैलाते रहते हैं। एक और कारण जो बताया है उन्होंने, जो मैंने अपने लिए ही लिखा है सेल्फ एग्जर्शन, जब आप अपनी क्षमता से ज्यादा कमिटमेंट कर लेते हैं या कर लेते हैं, आपको मालूम है कि आपकी क्षमता है पर किसी कारण से नहीं कर पाते, तब आपको स्पिरिचुअल टेंशन हो जाता है, तब आपको लगता है कि मैं क्यों नहीं कर पाई। एक स्वपराजय की जब भावना आती है तब आप इरिटेट होते हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि उतना ही काम, उतने ही कमिटमेंट्स करने चाहिए जो मैं अपने फिजिकल लाइफ के साथ बैलेंस करते हुए कर सकूं। नो बोलना सीखना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ और सब्जियों के बारे में बोला, मैंने थोड़ा लिख लिया है कि जब रिदमिक डांसिंग, रिदमिक चैंटिंग के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा पेज लिख के रखा है, मैंने उन सबको हटा दिया। उन्होंने कहा कि जब एक साथ बैठ के आपको मंत्र की चैंटिंग करनी हो तो चलो अपन मेडिटेशन भी माने, तो बोले कि रिदमिक जब होते हैं तब कैबेज, एस्पैरागस, सेलरी, अल्कोहल, ड्रग्स एंड मीट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो
चैंटिंग आपकी अच्छे से नहीं होगी, हमारे में तो सिर्फ लेसन लेना है। फिर आखिरी का बस 2 मिनट, उन्होंने कहा है कि कई बार जब लाइट सर्जरी होती है या जो लोग घायल होते हैं या कुछ दिनों से बिस्तर में हैं, वो खूब दिनों तक के अपने इरिटेशन को दबा दबा के पूरे उनके अंदर गुबार भर जाता है, अब बस वो फूटने वाला है वोल्केनो, तो अब क्या किया जाए। तो टॉरकॉम कहते हैं ऐसे लोगों को ना बड़ी अच्छी म्यूजिक या डांस का आप कुछ चीज दिखाइए, या उनको स्टोरी टेलर मतलब बहुत अच्छी कोई कहानी बताने वाला बताइए, ताकि उनकी जॉय बढ़े। जैसे जॉय बढ़ते जाएगा उनका वो गुब्बार निकल जाएगा। इरिटेशन दीमक के समान है जो आपके जीवन को खा लेता है। बच्चे बहुत जल्दी इरिटेशन को अट्रैक्ट करते हैं और अपने जीवन को नष्ट करते हैं। इसलिए जो बच्चों की टीचर्स है वो बहुत सिलेक्टिवली आप चूज करिए। वो कहते हैं द फ्यूचर ऑफ ए चाइल्ड इज इन द हैंड ऑफ द टीचर। यदि टीचर इरिटेबल है ना, बहुत जल्दी जल्दी फुल ऑफ मतलब इरिटेशन करती है, फुल ऑफ इम्पेरल है, तो उसके स्टूडेंट्स को अपने ऑरा में से उस इरिटेशन को निकालने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यदि मान लो आपकी कोई टीचर, आपके बच्चे की टीचर इरिटेट है बहुत, तो आप तुरंत कंप्लेन कर दीजिए प्रिंसिपल को। आखिरी बार मतलब आखिरी बात जो कह रहे हैं टॉरकॉम कि इरिटेशन के बारे में, जो आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि आप इसके नुकसान को बुद्धिपूर्वक विचार करिए, सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं ब्रह्मांड के रूप से भी, क्योंकि आप कहां तक के फैला रहे हैं उसको भी देखिए। ये स्माइल और पोलाइटनेस है ना, अपन एक स्माइल झूठी मुस्कान दे देते हैं या बहुत विनम्र बनने की कोशिश करते हैं कि अरे बिल्कुल, इसके द्वारा छुपाया जा सकता है आपकी इरिटेशन को, है ना, आजकल मास्किंग करते हैं। तो स्माइल और पोलाइटनेस से आप छुपा सकते हैं, पर वो आपके ऑरा को नष्ट करने से समाप्त नहीं करता, तो आपके ऑरा को तो समाप्त करेगा ही। तो फ्रेंड्स, ये जो बहुत ही छोटी बुक है, मैं जितना था आप लोगों को ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया, मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाह रही हूँ क्योंकि हम एंगर, इमोशन, इन सब के ऊपर बहुत बहुत चर्चा कर चुके हैं। पर रोजमर्रा में आप एक दिन अपनी पेन लेके बैठिएगा कि पूरे दिन भर में आप कितना इरिटेट हुए। हम मेड से इरिटेट होते हैं, ड्राइवर से इरिटेट होते हैं, हस्बैंड से, पूरे समय होते रहते हैं ना किसी ना कोई छोटी छोटी बात पे, जैसे हमारे मन के अनुसार काम नहीं हो हम तुरंत इरिटेट हो जाते हैं। और जब इरिटेट होते हैं तो कितनी देर तक के रहते हैं, कितना इम्पेरल फैलाते हैं, उस समय क्या हम खाना बना रहे हैं, या उस समय जब आप इरिटेशन के मोड में हैं और किसी के साथ आप चैटिंग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो आप इरिटेट होंगे और अपने इरिटेशन को आप छुपाएंगे भी तो सामने वाले को आप ट्रांसमिट कर देंगे। व्हाट्सएप में अगर आप बात कर रहे हैं तो जैसे एक बहुत ये वाला टॉरकॉम ने नहीं कहा है, मैंने एक और जगह कहीं पढ़ा था कि आप सोशल मीडिया के द्वारा अपनी निगेटिविटी को तुरंत ट्रांसमिट करते हैं। मान लीजिए मैं और अंजलि बात कर रहे हैं, अंजलि मेरे मन मुताबिक बात नहीं कर रही है, मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं इरिटेट होकर कुछ उसको लिखूंगी, फिर वो तुरंत लेकर मुझे वैसा ही इरिटेशन में करेगी, जबकि वो अच्छे मूड में थी, अंजलि एकदम हैप्पी मूड में थी, पर मेरा इरिटेशन उसको उस तक के इम्पैरल को फैला दिया। तो उस समय जब आप गुस्से में रहें तब आप बिल्कुल भी किसी से न बात करें, न चैट करें।